आओ छोटा सा कीर्तन हो जाए। अभी हम भागवत कह रहे थे हरियाणा में दीपावली से पहले हरियाणा में कथा चल रही। बहुत तो हम कथा कहने जाते हैं पर बुरी भली बड़ी सुननी पड़ती है हमें। हरियाणा में कथा कहें तो बुरी भली बहुत सुननी पड़ती है। चाहे नौ लड़का आवे चाहे बड़ो बूढ़ो आवे बिना तू तड़ाक के बात ही ना कर तू। ए महात्मा तू कहां खाएगा वहां की तू तड़ाक की भाषा है। एक बहन जी अभी हाथ पहुंचो पकड़ लो उनने बोली प्यास तू बड़ा कमजोर हो रहा है। मैंने कहा बहन जी छोड़ दे अब तक तो हो कलाई में क्या तो खाए के अलीगढ़ पर रही है कलाई में दर्द में चिच्ची छोड़ दे। अरे बोली प्यास तू बड़ो तुम्हारो हो ही ना चली घी खा ले। वो घर लिवाए गई सो बिन ने एक मलैया में से घी पंटो फिर पूरो पंटो बोले तू खा ले अब दुबला हो रहा है। हमने के जिज्जी छोड़ दे हमें कतई का सरे ना है। सब बोले मने कभी ब्याह मत कर 3 साल से धनुष टूट जाए ला दुर्गे मैया की पूजा करे आए। और पहले तो जेई नियम हते लड़कनी को ब्याह हो तो जाए देवते पूजो बाय देवते पूजो और
शादी से पहले दुर्गे मैया की बिटिया पूजा करे बजा पत्ती। अब जा कलयुग में ऐसी आंच लगी है, अब मंदिर में कहां जाती है। लड़का दरवाजे पे घोड़ी ही सते होए, अब दरवाजे पे बिटिया को पूछो कहां है कि मंदिर में कौन से ब्यूटी पार्लर। भगवान ने कितना सुंदर चेहरा दो, और जा चेहरा पे तांतों पुट्टी खिंचवाई पड़ी छत। हाय दैया सब रेड़ मार ली, गर्मी को मौसम पहुंच गई स्टेज पे, और तब तक पसीना आएगा, पसीना में हाय दैया वो पलतर भाओ। फिर देखो जी माल पत्तने को मुंह बिलैया ने चाट लो, इतनी बुरी दशा। तो सीता जी ने सोचा चलो दुर्गे माँ की पूजा कर आए। सीता जी जब चली, एक लड़की थी चंचला, वो सहेलियों को छोड़ दिया। चंचला नाम की लड़की ने देखा कि दो राजकुमार बड़े सुंदर आ गए, भागी। और सीता के ढिलो जाएगी, बोली बहन बगिया में दो राजकुमार इतने सुंदर आए हैं, इनकी बड़ाई एक नहीं, सारी जिंदगी करो फिर भी कम है बहना। चकोर भय ओ राघव ने देखा सीता को, चित चोर भय। भगवान स्वयं मोहित हो गए। सीता जी ने दुर्गे मां से प्रार्थना की, दुर्गे मां मेरे पिता ने धनुष की शर्त रखी है, धनुष टूटे या ना टूटे मैं शादी करूंगी तो प्रभु राम के साथ में, प्रभु राम के साथ में। सीता जी वहां से चली आई है आनंद में, अब धनुष यज्ञ की तैयारी हो रही है। तुलसीदास लिख रहे कि भूप सहे सदा सा